यह है बकासुर फिश थाली, दुनिया की सबसे बड़ी फिश थाली। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू फूड डायरीज। फूड डायरीज में आपका स्वागत है, जहां पे हम बढ़िया खाने की बातें करते हैं। यार, आपने बाहुबली थाली सुनी है, रावण थाली सुनी है, क्या आपने बकासुर फिश थाली सुनी है? नहीं ना। ऐसे ही यूनिक चीज़ें हम फूड डायरीज में बताते रहते हैं। तो बकासुर फिश थाली, इस नाम से एक नई थाली शुरू हुई है कोंडवा में। फिश करी मालवनी इस रेस्टोरेंट ने शुरू की है। यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ आप कीजिए, इनको कॉल करके पहले बुक कीजिए, क्योंकि ये प्री बुक थाली है और आपको बुकिंग करके ही यहाँ पे आना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या है बकासुर फिश थाली। तो दोस्तों, ये है बकासुर फिश थाली, दुनिया की सबसे बड़ी फिश थाली। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है इसमें। हाँ, इनका टोटल जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस थाली में करीब 7000 ग्राम, जी हाँ दोस्तों, करीब 7 किलो का खाना है। ये 4 से 5 लोगों के लिए है। आपको बुकिंग करके यहाँ पे आना पड़ेगा और बुकिंग के बाद आपको प्राइस बताई जाएगी, क्योंकि फिश के रेट्स हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, बुकिंग कीजिए, उसके बाद आइए। 4 से 5 लोगों का ये खाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे है सुरमई करी, उसके बाद प्रॉन्स करी है, बांगड़ा करी है, यहाँ पे बांगड़ा मसाला है, जौरा मसाला है, या फिर ड्राई फिश है। उसके साथ यहाँ पे आपको प्रॉन्स बिरयानी आती है और प्लेन राइस है। तो ये हो गया आपका करी का पोर्शन। अभी फ्राई में मैं आपको बताता हूँ, 1-1 किलो के सब है यहाँ पे। तो पॉपलेट फ्राई है, यहाँ पे सुरमई फ्राई है 1 kg, बांगड़ा फ्राई 1 kg है, यहाँ पे बॉम्बे डक या जिसे हम बोम्बिल बोलते हैं वो 1 kg है, मांदेली फ्राई 1 kg है, और साथ ही साथ यहाँ पे रोटी, चपाती, भाकरी, ये सब जो है पाँच पीसेस हैं। और ये सब खाना होने के बाद आपको स्वीट डिश मिलती है, और ये सब खाना हजम करने के लिए आपको ये स्वीट डिश हो गई, और उसके साथ आपको मिलती है सोल कड़ी 1 लीटर, और कोकम आता है 1 लीटर। तो यह है पूरी जानकारी। तो इनका एक चैलेंज है, अगर ये बकासुर फिश थाली 3 लोगों ने ख़त्म की, 3 लोगों ने, तो आपको इस थाली के पैसे नहीं देने हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने रावण थाली के लिए भी यही कहा था कि हम ख़त्म करेंगे। तो आप आइए बकासुर फिश थाली ख़त्म करके देखिए और चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टर में सुरमई फ्राई से। 1 किलो का सुरमई फ्राई, एक छोटा छोटा पीस लेके मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसी है। तो ये देखिए, सॉफ्ट सुरमई फ्राई, मालवनी स्टाइल का खाना। बहुत सॉफ्ट है, मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। जब आप कोई भी फिश बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मसाले ज़्यादा ना लगें, क्योंकि सी फूड का एक खुद का टेस्ट होता है, उसका जो फ्लेवर होता है वो खाने में आना चाहिए। तो ये देखिए, बढ़िया पॉम्फ्रेट, तो बहुत ही सॉफ्ट है और ये मेल्ट हो रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ रियली गुड। उसके बाद ट्राई करते हैं बॉम्बे डक। ये देखिए, बॉम्बे डक डीप फ्राई है, ये शैलो फ्राई नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए शायद से ऑयली हो सकता है। जहाँ पे टेस्ट बढ़िया हो वहाँ पे तो सब चलता है। तो बॉम्बे डक खा के देखें, इस पर थोड़ा मसाला ज़्यादा लग रहा है मुझे। अब ट्राई करते हैं करीज़। तो यहाँ पे है सुरमई करी, यहाँ पे मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि हर एक करी का जो फ्लेवर है बहुत अलग है, और यहाँ पे स्पाइसेस जो इस्तेमाल किए हुए हैं ये अलग है। तो साथ ही साथ यहाँ पे है प्रॉन्स करी, तो देखिए बढ़िया प्रॉन्स करी, बड़े बड़े प्रॉन्स के पीसेस, और यहाँ पे है
जो सिंपल फिश जिसे हम बोलते हैं बांगड़ा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको बांगड़ा करी करना आता है विच इज़ लाइक वेरी बेसिक, तो आपको फिश का खाना आएगा ही। अब ट्राई करते हैं करी। शुरुआत करते हैं, यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ है रोटीज़ की, मैं सोच के हैरान हूँ कि लोग इतनी यूनिक आइडियाज़ लाते कहाँ से हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये देखिए सॉफ्ट जो मालवन कोस्टल रीजन में बनता है, राइस की रोटी बनाते हैं, उससे शुरू करते हैं। राइस की रोटी जो होती है ये बहुत हल्की होती है और जल्दी से हजम हो जाती है और हेल्दी काफ़ी होती है। तो शुरुआत करते हैं सुरमई करी से, बहुत बड़ा पीस है, तो खा के देखें। तो टेस्ट जो है बहुत ही यूनिक टेस्ट है। यहाँ पे ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल होता है और जैसे कोस्टल रीजन में नारियल बहुत होता है, तो नारियल बेस में ये बना हुआ है। वाह बढ़िया है। अब ट्राई करते हैं प्रॉन्स करी। वाह, तो इसका भी फ्लेवर अलग है। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट फिश करी मालवनी इज़ दे हैव मेंटेन द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ मालवनी, जो कोस्टल रीजन का जो स्पाइस होता है उसके जो फ्लेवर्स होते हैं वो इन्होंने मेंटेन किया है। चपाती के साथ हम खा के देखते हैं अभी बांगड़ा करी। ये देखिए बांगड़ा करी, ये भी बढ़िया है दोस्तों। तो यहाँ पे फ्लेवर्स की इतनी वैरायटीज़ है, एक ही थाली में इतने सारे फ्लेवर्स, तो बहुत यूनिक कंसेप्ट है। जहाँ पे यूनिकनेस है वहाँ पे फूड डायरीज तो आ ही जाती है। अब ट्राई करते हैं प्रॉन्स मसाला। वाह इतना यमी दिख रहा है ये। उसके साथ यहाँ पे है ड्राई फिश चटनी, इसे कोस्टल रीजन में या मालवन रीजन में दौरा फ्राई या चटनी भी बोलते हैं। तो चख के देखते हैं कैसा है। ये देखिए प्रॉन्स मसाला, तो थोड़ा सा स्वीट साइड में लग रहा है मुझे ये प्रॉन्स मसाला। अब ट्राई करते हैं चटनी। तो अब ट्राई करते हैं प्रॉन्स बिरयानी। तो यहाँ पे दो टाइप के राइस आते हैं, मिलते हैं आपको, एक है प्रॉन्स बिरयानी और एक है प्लेन राइस। तो प्लेन राइस मालवनी स्टाइल में आपको करी के साथ ही खाने में मज़ा आता है। तो पहले ट्राई करते हैं, इसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ एक करी। तो सुरमई करी का, सुरमई करी। और तो अब ट्राई करते हैं प्रॉन्स बिरयानी। दिस इज़ रियली डिलीशियस। तो प्रॉन्स बिरयानी के बाद करी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि करी इनकी बेहतर है, इसमें ऑयल कम इस्तेमाल हुआ है। आप अगर कोस्टल रीजन में चले जाएं तो राइस और करी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी फ्लेवर बढ़िया है। तो ये सब खाना मैं और मेरी टीम ख़त्म करने वाले हैं। और आपको स्वीट डिश में यहाँ पे खीर मिलती है, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है जैसे आप देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर 4 to 5 पीपल। तो ये है स्वीट डिश, तो खा के देखें। थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो एन गुड कॉम्बिनेशन। तो ये सब खाना ख़त्म करने के बाद यहाँ पे 1 liter कोकम आपको ख़त्म करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे है द फेमस सोल कड़ी। ये देखिए, तो इतना तो मैं अकेले ख़त्म नहीं कर सकता, मेरी टीम है जो कैमरे के पीछे है। तो दोस्तों ये थी बकासुर फिश थाली, फिश करी मालवनी कोंडवा में। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, करीब 7 किलो का इसमें सब खाना जाता है और 4 से 5 लोगों के लिए है। प्राइसेस के लिए आप बुकिंग करेंगे तब आप प्राइस कंफर्म कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइसेस फ़िश के जो है फ़िश मार्केट चेंज होते रहते हैं, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग यू कैन आस्क फॉर द कॉस्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो। आशा करते हैं हमारा यूनिकनेस आपको पसंद आ रहा है, ऐसे वीडियो हम और बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, डू लाइक अस ऑन फेसबुक, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार, मी विलास कामठे, फिश करी मालवनी हॉटेलमध्ये मी कायम जेवायला येतो। इथली टेस्ट अतिशय चांगली आहे, इथले फिश करी छान असते।
मटन ही छान असतं त्यानंतर चिकन ही छान असतं. नमस्कार, मी गणेश कामटे. मी येथे फिश करी मालवणी येथे आठवड्यातून एकदा तरी जेवायला येतो आवर्जून, कारण इथे खूप चांगल्या पद्धतीचं जेवण आहे. येथे तिखट कमी पण तेलकट पण नसतं. नमस्कार, मी आवी नशिम बळकर. मी फिश करी मालवणी कोंढवा या भागामध्ये हॉटेलमध्ये मी रेग्युलर कस्टमर आहे. आठवड्यातून किंवा 15 दिवसातून मी एकदा तरी या हॉटेलला सदिच्छा भेट देतो.